आज हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 3.5 कविता 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 6। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिवाइडेबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। हमें इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है किसके हेल्प से, सम एग्जांपल्स के हेल्प से। इसको क्या करना है बेटा, वेरीफाई थ्री कंसेक्यूटिव थ्री कंसेक्यूटिव नंबर फर्स्ट देखो नंबर्स जो भी हमारे थ्री फोर फाइव लेते हैं, नंबर लेते हैं बेटा 1, 2, 4, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं 1 × 2 × 3 × 6 डिवाइडेड बाय 6 इज डिवाइडेबल बाय 6। सेकंड देखो एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड देखते हैं बेटा कौन कौन सा लेते हैं, 2, 3, 4 थ्री कंसेक्यूटिव नंबर दे देते हैं, 2 × 3 × 4 3 × 6 = 24 इज डिवाइजेबल बाय 6, ये भी 6 से डिवाइजेबल है। एग्जांपल थर्ड देते हैं बेटा कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं 9, 10 and 8 देखते हैं भी होते हैं नहीं, 9, 10 या 90, 90, 11 क्या क्या आ गया बेटा, 9 × 10 × 11 9, 10 या 90, 90, 11 या 9, 90। अब देखो ये 6 से डिवाइडेबल है, 6 से डिवाइडेबल के लिए क्या क्या किस किस की डिवाइडेबल थी देखते हैं बेटा, वो डिजिट 2 से डिवाइडेबल होनी चाहिए और 3 से डिवाइडेबल होनी चाहिए। 2 से तो डिवाइडेबल है लेकिन वंस क्या है इसका, 0 और 3 से डिवाइडेबल थी 9 और 9 सम ऑफ द डिजिट 9 और 9 कितना हो गया बेटा 18, 18 क्या है 3 का मल्टीपल से तो क्या है इज डिवाइडेबल बाय 6। सो वी कैन से the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. So we can say the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. क्यों? क्योंकि हमने ये example ले ली, और भी example लेके कर सकते हो, ये दिया। Eighth question है, the sum of two consecutive odd number is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या कह रहा है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर, टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज डिवाइडेबल बाय 4। ओड नंबर क्या क्या बेटा, ओड नंबर आर इवन ओड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सारे क्या था बेटा ओड। हाँ देखता है टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्या लेते हैं बेटा 1 and 3 ने देखो ऐड कर दिया, सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज डिवाइडेबल 4 इज डिवाइडेबल बाय 4 हो गया। एग्जांपल सेकंड कोई भी चीज ले ले 11 और 13 ले ले, 13 and 15 ले ले कोई भी ले ले, तो 13 + 15 5 और 3 8 और 1 और 1 2 28 4 से 28 इससे डिवाइडेबल है, किससे बेटा डिवाइडेबल है, तो एक एग्जांपल और ले लो, कोई सी भी चीज ले लो जैसे 15 and 17 ले लो, जो मर्जी हो वो दो कंसेक्यूटिव तब कर मांगा कंसेक्यूटिव लेना है बेटा, तो 15 + 17 7 और 5 8
ओड नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय फोर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, इनमें से किस किस में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है उनका। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके प्राइम फैक्टर पे फैक्टर हुए हुए हैं डिजिट के लिए। 24 है, 2 × 3 × 4 या 4 के अभी वो फैक्टर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा 2 और 2, जिसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो बेटा 2 × 2 = 2 से भी कोई फैक्टर हो सकते, नहीं हो सकते। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 50। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका मतलब। यहाँ देखो 17 का 2 के फैक्टर हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। 5 का एक प्राइम नंबर है और 6 भी प्राइम नंबर है, तो 7 का 35 हो गया 17, तो इसलिए क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ होगा। यहाँ यहाँ देखो 24 के लिए 2 × 3 × 9 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन होना बाकी है, 9 का हो सकता है क्या 3 × 3। ए एंड डी इनके प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुए, बी एंड सी क्या हो गया बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा डी एंड सी, क्लियर है। टेंथ क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिवाइजेबल बाई 45। बेटा 45 की डिवाइजेबिलिटी का हमने रूल्स तो थम रूल्स तो हमें पढ़ा नहीं, लेकिन 45 देखो, 45 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 और 9 टू ऐसे फैक्टर आते हैं जो कैसे हैं बेटा को प्राइम नंबर है। 5 और 9 में कोई भी प्राइम नंबर, तो अगर ये डिजिट 5 से डिवाइजेबल है और किससे डिवाइजेबल है बेटा 9 से डिवाइजेबल है, तो ये 45 से भी डिवाइजेबल होगी, क्लियर है। तो किस किस की डिवाइजेबिलिटी देखेंगे, 5 की डिवाइजेबिलिटी। अब देखो बेटा 25,110 इज डिवाइडेबल बाय, डिवाइडेबल बाय 5 क्यों है बेटा, वंस क्या है इसका 0 है। अगर किसी डिजिट का वंस 0 या 5 है तो डिजिट किसी डिवाइडेबल होगी बेटा 5 से, फर्स्ट की तो क्लियर होगी। एंड देखो 9 की डिवाइडेबिलिटी कैसे देखते हैं बेटा, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9 देन द डिजिट इज डिवाइडेबल बाय 9। तो सम ऑफ डिजिट देखो बेटा 2 + 5 + 1 + 0 = 5 और 2 7 7 1 8 8 9 9 0 ऐड करेंगे 9, तो क्या ये 9 का मल्टीपल्स है। सो 25,110 इज डिवाइडेबल बाय 9, सो 25,110 इज डिवाइडेबल बाय 45 बिकॉज 5 और 9 आर को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्यों है, कि 5 और 9 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अगर किसी किसी नंबर्स के को प्राइम नंबर किसी डिजिट को डिवाइडेबल डिवाइड करते हैं तो वो नंबर भी डिजिट को क्या करेगा डिवाइडेबल होगी, क्लियर। फर्स्ट 11 क्वेश्चन है बेटा, 18 इज डिवाइडेबल बाय 4, 2 और 3, 18 दोनों से डिवाइडेबल है बेटा 2 और 3 से। इट इज आल्सो डिवाइडेबल बाय 2 और 3 × 6, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 6, 86 से डिवाइडेबल है। सिमिलरली नंबर इज डिवाइडेबल बाय 4 और 6, इसी तरह एक नंबर 4 और 6 दोनों से डिवाइडेबल है। दैट इज से दैट दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिवाइडेबल, दैट द नंबर नंबर जो है दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिवाइडेबल बाय 4 × 6 = 24। इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर, तो ऐसे ही 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24, वो नंबर 24 से डिवाइडेबल होगा। ये मस्ट कह रहा है, हमेशा लागू बेटा ये चीज हमेशा लागू नहीं होती, जैसे ये चीज है लेकिन ये चीज हमेशा लागू होती है नहीं होती है देखना है। 4 और 6 हम अगर 20 दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा 20
24 आ रहा है, तो हम सबसे पहले छोटे प्रोडक्ट की बात करेंगे कि देखो 4 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं। 4 4 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 6 2 = 12, तो क्या हो गया 12 इज डिवाइडेबल बाय 4 एंड 6, दोनों से डिवाइडेबल है 12, बट 12 इज नॉट डिवाइडेबल बाय 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, 24 से क्या है डिवाइडेबल नहीं है, सो ये क्या हो गया 9, क्या है इसका आंसर 9, ये नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, नो इट नॉट मस्ट, नो इट्स नॉट मस्ट, ये जरूरी नहीं है, क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूं जो हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मैं वो एक सबसे छोटा नंबर हूं जो चार अलग अलग डिफरेंट प्राइम फैक्टर रखता है, एंड फाइंड क्या मुझे फाइंड कर सकते हो। अब बेटा क्वेश्चन तो खुद ही बता देता है कि मैंने चोरी कैसे, को समझोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आम का स्मॉलेस्ट नंबर, कोई लोग चीज छोड़ के जाता है, क्वेश्चन कोई ना कोई चीज हमें कोई ना कोई आइडिया देके जाता है, या अपना कोई ना कोई माइनस में क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में होता है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। आम का स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर कैन बी फाइंड, डिफरेंट प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर हो गए कितने, चार अलग अलग नंबर क्या है सबसे छोटे बेटा, फोर से लेके करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, फोर को देखोगे, फाइव को देखोगे, फाइव तो नहीं है फिर सिक्स को देखोगे, एट को देखोगे, नाइन को देखोगे, टेन को देखोगे, बहुत से करते चले जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर और स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या कहते हैं बेटा, अलग अलग चीज डिफरेंट प्राइम फैक्टर चीज सेम नहीं चीज सेम होंगे तो भी डिजिट आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर, तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 से स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटे नंबर कैसे बात कर रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, क्या हो गया 2 3 6 6 5 30 37 12 है, क्या नंबर है मेरा वो